सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं है। असल में दार्जिलिंग का हम लोग का कोई प्लान भी नहीं था, बस हम लोग आ गए। अभी बज रहे हैं रात के 8। इस समय हमें ये सही नहीं लगा चढ़ाई पर चढ़ना इतनी रात को, थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता था, तो हमने मना कर दिया कि एक बच्चे को लेकर के जो है ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। और क्रियांश जो है थोड़ा सा बीच में रोने भी लगा। अभी हम लोग हैं जी, ये कार एक्सेसरीज का शॉप है, ठीक है, आगे हैं हम लोग और अपनी गाड़ी में जो है सीट कवर लगा रहे हैं। आप से कई लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि आप जो है सीट कवर लगवा लीजिए अपनी गाड़ी में। फाइनली जी हम लोग लगवा रहे हैं सीट कवर, और टाइम तो बोला था इन्होंने कि लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन हम लोग आए हैं 2 घंटे बाद, अभी तक तो नहीं हुआ है। और थोड़ा सा इनको पुश किया है कि आप थोड़ा जल्दी कर दीजिए, हमें आगे भी निकलना है। हम लोग सोच रहे हैं मिरिक या दार्जिलिंग, जहाँ भी संभव हो पाए वहाँ निकलेंगे, लेकिन अगर यहीं पर डिले हो जाएगा तो थोड़ा मिलना मुश्किल। दार्जिलिंग तो नहीं तो नहीं, मिरिक भी चले जाए बीच में, चले जाए तो पहले गाड़ी। और जी हमें थी गर्म पानी की जरूरत, तो कहीं मिल नहीं रहा था, ये भाई साहब मिल गए, गर्म कर रहे हैं, धन्यवाद भाई। क्या क्रियांश को देख सकते, क्या कर ले क्रियांश, काहे हंस रहा है, क्या बात है, तुम क्यों खुश है इतना, क्या सोच रहा था, देखो देखो हंसता। कौन सा कवर लेना है मामा की गाड़ी के लिए, कौन सा कवर ले, बता दो जल्दी से, कौन सा पसंद है आपको, कौन सा कवर पसंद आया, मामा ही पसंद है, मामा से नजर नहीं हटेगा, कौन सा पसंद आया बताओ जल्दी, ये कौन सा पसंद आया बताओ, कौन सा लगाया जाए, देखा है, देखो देखो देखा है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है, डिसाइड करो जल्दी जल्दी डिसाइड करो, क्या लगा लिया बेटा, यहाँ क्या लगाया रे, क्या लगा लिया। अभी थी हम लोग बैठे हुए हैं शॉप में और इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में जल्दी से सीट कवर लग जाए, और सीट कवर जैसे ही लग जाएगा फिर हम लोग निकलेंगे। क्रियांश क्या कर रहे हो, जैसे ही कैमरा आता है घूम जाता है, ऐसे कैमरा पसंद नहीं है, ये देखो क्रियांश क्या, इधर ज्ञान क्या, ये हम लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार लंबा हो गया है हमारा, ऐसा पता था तो उनको भी नहीं कर रहे, ये भी बोर्ड हो गया, ये बोर्ड क्या होगा, इससे जो भी मिल रहे हैं सबसे ये बातें कर रहे हैं, इसके लिए तो मजा ही है, कर रहा है, अच्छी बात है, मुझे भी ऐसा ही बच्चा चाहिए जो सबसे दोस्ती करे, तो ये शर्म नहीं आती आपको, देखो हमारी गाड़ी में जी सीट कवर लग गया, आए हुए हैं गाड़ी के पास, गोलू देख रहा है अंदर की कैसा फिटिंग है, बाकी आप लोग को भी दिखाते हैं। यहाँ रहा जी हमारा नया सीट कवर, ये हमने लगवा लिया है, इसमें भी एक दिया हुआ हेडरेस्ट, अच्छा है ये, और ये देख सकते हैं फिटिंग, तो गाड़ी में जी सीट की तो फिटिंग हो गई, अब लग रहा है कुशन कवर, एक बार बैठ के देख लो गोलू, फिर हो गई थी सारी बिलिंग, बस अब जो है यहाँ से सामान को पैक करना है और निकलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि समय पर पहुँच जाए, वैसे सुने कि इधर जाम भी लगता है, जाम से बच के तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा पहले ही पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कुरकुरे लिया जा रहा है, सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं है। Two hours later. तो जी अभी हम लोग हैं गाड़ी में और देख सकते हैं बारिश कितनी मूसलाधार हो रही है उधर बाहर, और अंदर में मजा आ रहा है जी, माहौल बारिश में चल रही है गाड़ी, और लेकिन बस एक चीज की दिक्कत हो गई है, हमें लग गई है भूख, और सोच रहे थे एक प्रॉपर खाना खा ले, रोटी सब्जी या चावल कुछ भी हो, लेकिन वहाँ लग नहीं रहा कि पॉसिबल है अभी, तो हम लोग लेज कुरकुरे जो मंगा लिए तो वही खा रहे हैं, और क्रियांश अभी भलाई के सोया हुआ है, जगेगा तो हो सकता है तभी बचाए। तो यहाँ से जी पहाड़ हो चुका है शुरू, और यहाँ जैसे ही आ गए हैं उधर कितनी तेज बारिश हो रही थी, और यहाँ लग रहा है बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं है, हो सकता है कि जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर बारिश मिल जाए, क्योंकि पहाड़ों में हरा भरा है पूरा माहौल, यहाँ पर हो सकता है कि जैसे ही पहाड़ पर हम लोग चढ़े वहाँ दिख जाए बारिश, और पहाड़ों पर तो ऐसा चलते ही रहता है, यहाँ बारिश वहाँ सूखा, वहाँ बारिश वहाँ सूखा। तो यहाँ से जी शुरू हो रहा है आर्मी कैंट, और हम लोग जा रहे हैं अंदर, और यहाँ का जो नजारा है आसपास का देख सकते हैं कितना हरा भरा है, दार्जिलिंग जाने के रूट में पड़ता है, दार्जिलिंग जाने के रूट में, अच्छा आर्मी कैंट। तो यहाँ से जी हम लोग हो गए अंदर, और यहाँ से जो है ऊंचाई बढ़ती जाएगी और हम लोग चलते जाएंगे। अभी रुके हुए हैं जी बीच रास्ते में, और यहाँ पर जो है माहौल थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है, और हम लोग को लग गई है बहुत ही तेज भूख, गोलू बताया कि यहाँ पर जो है मोमोज अच्छा मिल जाएगा, देखते हैं जी कैसा मोमोज रहता है, वैसे पहाड़ों का मोमोज जो है अच्छा रहता ही है, एक बार जब हम मिरिक आए थे इसी साइड तो खाए थे, काफी अच्छा लगा था, तो चलते हैं। यहाँ से नजारा कुछ ऐसा है देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं लॉटरी का यह सब कुछ, हाँ देखते हैं लॉटरी बहुत खेलते हैं सभी। यहाँ पर तो मोमोज नहीं मिला जी,
यहाँ पर मोमोज जो है खत्म हो चुका है, अब चलते हैं किसी अलग शॉप में, देखते हैं वहाँ मिल जाता है कि नहीं। तो हम लोग आए हुए हैं एक दूसरे शॉप में और वहाँ पर जो हमें स्टीम मोमोज मिल गया है, सब खाया जाए, देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। अच्छा है, मोमोज तो आ गया, साथ में सूप भी मिल गया हमें। गला फंसा होगा, सर्दी जैसा माहौल होगा वो खत्म हो जाएगा। हमारी हो गई जी पेट पूजा और अब सीधा यहाँ से चला जाए और अब सीधा रुका जाएगा दार्जिलिंग में और उम्मीद करते हैं कि अच्छा रूट हो, कैसा हो, अच्छा सफर हो, चलते हैं। और यहाँ पर क्रियांश जो है अभी नज़ारे का मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है ना, पहाड़ देख रहा है, जंगल देख रहा है, पेड़ देख रहा है ना। तो फाइनली जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और अब यहाँ से जो है मेन पहाड़ का जो होता है ना चढ़ाई वो शुरू होगा, तो दिखाते हैं आपको। एकदम जलेबी की तरह मुड़ रहा है यह रास्ता, चल रहे हैं पहाड़ पर हम लोग। ओहो भाई साहब ये देख, यहाँ से आने वाला है मजा। बस खाली एक क्या गड़बड़ बात लग रही है कि हाफ टी शर्ट में आ गए हैं। असल में दार्जिलिंग का हम लोग का कोई प्लान भी नहीं था, बस हम लोग आ गए यहाँ पर, सोचे कि सिलीगुड़ी आई ही है तो दार्जिलिंग भी चले जाते हैं, तो उसी बात में प्लान बन गया। उम्मीद करते हैं जी रास्ते में कुछ मिल जाए, फूल जैसा कुछ भी, वैसे मार्केट तो होगा ही, टूरिस्ट स्पॉट है, तो रास्ते में कुछ ले लेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। जब तक गाड़ी के अंदर है तब तक तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग को तो निकलना था जी दार्जिलिंग क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो चुकी, अभी बज रहे हैं रात के 8, इस समय हमें यह सही नहीं लगा चढ़ाई पर चढ़ना इतनी रात को, थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता था, तो हमने मना कर दिया कि एक बच्चे को लेकर के जो है ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। और क्रियांश जो है थोड़ा सा बीच में रोने भी लगा, फिर लग गया कि क्रियांश इस तरह से रो रहा है, हम लोग चुप कर रहे हैं और गोलू ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, यहाँ पर पार्किंग में लगा दिया है। जब लास्ट टाइम हम लोग पार्क लगाए थे तो याद है कि अलग जगह लगाना पड़ा था और अलग से 50 रुपीज पे करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। हाथ में मेन्यू ले लिए, कुछ सामान भी होगा ऑर्डर करेंगे, सोच तो रहे थे कि बाहर खा ले, लेकिन बाहर अभी खुला होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, तो रिस्क नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही पड़ेगा, खा लेंगे। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 9 और हमारा जो है खाना लग चुका है, देख सकते हैं हमारा खाना लगा हुआ है और वो लोग जो है मोबाइल में कुछ कर रहे हैं अपना, तो सभी लोग बैठते हैं और खाते हैं। खाने में ले लिया है जी हमने, ये परांठा है ये, और साथ में लिया हुआ है चना मसाला, इसी में क्या चना मसाला, और इसमें कौन सा दूसरा सब्जी कौन सा लिया, चना मसाला ही है सर, और एक में चावल, एक में चावल, एक में चना मसाला, चना मसाला में पनीर जैसा ग्रेवी दिया हुआ है। अच्छा चावल दाल तुम लिया है, चावल दाल और वो एक आलू पराठा, और आप लोग के लिए दो आलू पराठा दो। हम बिहार के लोग जहाँ जाए चावल ना छोड़े, चावल तो है नहीं। अच्छा जब दार्जिलिंग में रहता था ना इसे बस चावल खाने मिलता था, इसलिए दार्जिलिंग आए तो सोचे चावल खा ले, याद ताजा। ये जी परांठा जल्दी जल्दी लिया जाए, ये काट करके दिया हुआ है, एक परांठा का 2 भाग है। तो लग तो रहा था कि कुछ चलने वाला है लेकिन ये सब प्लानिंग हो जाएगा ये अंदाजा नहीं था। तो बताइए कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा, और थैंक यू इस ग्रैंड सरप्राइज के लिए। उठ गए जी सवेरे सवेरे और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और इस समय जो है मौसम बड़ा ही बेहतरीन है और आगे का जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन है, मजा आ रहा है। सुबह उठते ही खिड़की को खोल दिए और बाहर का जो नज़ारा देख रहे हैं जी मजा आ रहा है। और इधर क्रियांश भी उठ चुका है ना, क्रियांश यहाँ भी मजे में सोया है और यहाँ भी मजा ले रहा है ट्रिप का। अब मैं आपको जो है बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, खिड़की से बाहर का नज़ारा देखिए क्या मस्त नजारा है। रात में बोल रहा था, तुम लोग ये मैं सोचना कि कैसा होटल में, सुबह उठो कि ना बोलो कि मस्त होटल में आ गए। हाँ यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा मिलेगा, आपको दिखा देते हैं, सामने देखिए लेक है और उधर है जंगल सब और ऊपर में मंदिर भी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। तो सभी लोग जी ये तैयार है और अब जो है यहाँ से होटल से निकलने की कर रहे हैं तैयारी और यहाँ का जो लोकल टूर है वह टूर करेंगे। वैसे पिछली बार जब हम आए थे हम तो कर ही चुके थे लेकिन जिया नहीं घूमी है इस जगह को, जिया और क्रियांश गुगु नहीं घूमा, हम लोग तो घूम लिए थे, घूम लिया है, क्रियांश भी मजे ले रहा है, क्रियांश भी घूमेगा फर्स्ट टाइम है ना, घूमेगा ना। हाँ तो हम लोग जो है अभी निकलेंगे, आसपास का जो है थोड़ा सा राउंड लेते हैं और यहाँ पर घूमने के बाद जो है हम लोग निकल लेंगे सीधा दार्जिलिंग। सोच रहे दार्जिलिंग कुछ ही देर के लिए सही लेकिन जरूर चले जाएंगे और दार्जिलिंग पहुँच करके उधर से एकदम पहुँचते ही थोड़ा 1 घंटा वहाँ रुक करके और वहाँ से लौट आएंगे वापस हम लोग। तो कुछ इसी तरह का टूर हो गया है हम लोगों का क्योंकि ज्यादा समय नहीं हाथ में लेकिन चाह रहे कि कम समय में जितना हम लोग घूम सके तो घूम लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने
गाड़ी से टॉपी सब है, पोज दे रहा है ये लोग, पोज दे रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट। ओ भाई साहब पकड़ के नोच लेगा। ये देख सकते हैं क्रियांश यहाँ मामा की गोद में अब आ गया है ब्लैंकेट में। चले क्रियांश चलो बाय। हम लोग निकल गए हैं जी बाहर यहाँ का लोकल टूर करने के लिए और यहाँ जो चल रहे हैं जी बड़ा मजा आ रहा है। हल्की सी धूप है, ठंडी ठंडी हवा है, और क्या चाहिए जिंदगी में। उधर का नजारा देख सकते हैं जी, क्या मस्त सा नजारा है। मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ और नजदीक से जहाँ तक जूम हो सकता है। ये देखिए क्या मस्त नजारा है। और हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पर, जूम इन करके मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम यहाँ से गुजर ही रहे थे तो हमें यहाँ पर एक जो है यह मूर्ति दिख गया। हमें लगा कि यह क्या है यह, कि मोलू साथ में यहाँ पहले आया हुआ है। तो मोलू ने बताया कि यह जो है यह है वन रक्षक। तो वन रक्षक जी ठीक है, हम लोग प्रस्थान करते हैं आपके सामने से। तो हम लोग आ गए हैं जी लेक के पास, और लेक के पास से जो नजारा है जी बड़ा ही बेहतरीन है। और कैमरा में जब हम देख रहे हैं तो और भी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है जितना हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी कलर ग्रेड नहीं किया गया है। तो यहाँ प्याज का मिल रहा है प्रसाद है ना, आज प्रियांश के बाबा का बर्थडे है। अच्छा। थैंक यू बोला आंटी को, नहीं बोला ना। चलते हैं अब यहाँ से। हाँ चलिए यहाँ देखते, झूला भी हम लोग झूल लिए प्रियांश के साथ भी, प्रियांश के इंस्टा पे आएगा। हम लोग जा रहे हैं, प्यास सो चुका है। पतिदेव जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम तो यहाँ आ चुके हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सुबह सो गया, इतना मस्त मौसम में। हॉर्स राइडिंग तो फिर दार्जिलिंग छोड़ना पड़ेगा। चलते चलते हम लोग आ गए हैं जिस ब्रिज पर, और इस ब्रिज से जो है और भी अच्छा नजारा दिख रहा है। और यहाँ पर खड़ी रहने का मन कर रहा है, समय बिताए, लेकिन पास में थोड़ी समय की कमी है। और ट्रिप में हरदम अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी हम लोग ट्रिप में निकलते हैं तो लगता है काश कुछ और समय रुक जाते यहाँ पर, थोड़ा समय और हाथ में रहता। ट्रिप का बात ही है जी, अपनी जिंदगी की जो भी व्यस्तता है उससे थोड़ी सी समय निकाल करके जो हम लोग बाहर आते हैं और प्योरली घूमने के लिए जो समय है वह नहीं मिल पाता है। मेरा तो मन था जी कि अच्छे से घूमे और मन भर घूमे, लेकिन जब भी जाते हैं जहाँ भी जाते हैं मन में कसक रह ही जाता है कि काश थोड़ा दिन और रुक गए होते। और वैसा ही कसक यहाँ भी है। और बात क्या है कि यहाँ से हम लोग को दार्जिलिंग भी निकलना है, सोच रहे हैं थोड़ा सा ही सही लेकिन दार्जिलिंग जरूर आ जाए। क्योंकि हुआ क्या है कि कई बार प्लान किए हैं दार्जिलिंग आने का, लेकिन जो है दार्जिलिंग जा नहीं पाए हैं। यही मिरिक तक आकर के हमारा स्टॉपेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मिरिक खराब जगह है, मिरिक भी अच्छा जगह है, बहुत ही बेहतरीन नजारा सब है यहाँ पर। यहाँ पर भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पर भी बोट राइड होता है, हॉर्स राइडिंग होता है, और यह सब कुछ होता है एकदम लेक के किनारे। तो आपको होता है हॉर्स राइडिंग भी होता है, किए हुए हम और वो भी एकदम, यह जो लेक है इसके किनारे किनारे जाता है घोड़ा। जियारी नहीं किए, प्रियांश नहीं किया, प्रियांश ने किया है, दोनों तो किए हैं। कोई बात और नहीं, इस तालाब में मछली भी बहुत है, मछली खूब है। हाँ पिछली बार तब आए थे ना तो मछली को खिलाने वाला वो बेच रहा था, और जो है मछली ज्यादातर वहाँ पे उस पुल के किनारे नजर आता है। अच्छा अच्छा, तो जिया अब चले क्या यहाँ से? तो यहाँ से जो है अब निकलते हैं दार्जिलिंग, थोड़ा सा ही सही लेकिन दार्जिलिंग देख जरूर लेना है। हाँ। वो देखिए बोटिंग भी हो रहा है वहाँ पे, बोटिंग का थोड़ा नजारा दिखा देते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं जी वहाँ पर बोटिंग हो रहा है, वहाँ पर तो जा रहे हैं और वहाँ से बोटिंग की बुकिंग होती है। तो वहाँ से बोट लेकर के आप घूमिए मजे में, घंटे के हिसाब से चार्ज होता है। यहाँ से भी एक बार आपको नजारा दिखा देते हैं कि पुल के पास से कैसा नजारा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं जी कुछ ऐसा नजारा है इधर का, और इधर बीच में गोलू और जिया का जो है फोटो सेशन अपना चल रहा है। यहाँ पर जी घुमा हुआ हो गया, और क्रियांश के लिए जो है ये कपड़ा भी उठा लिया है, जो कि देख सकते हैं यह 200 रुपए में एक पूरा सेट मिल गया है। इसका कैप है और एकदम क्या कहते हैं हुडी टाइप का। उसके बाद चलते हैं। क्रियांश पूरा पसीना पसीना है, हमें लग रहा था उसे ठंड लगेगी लेकिन नहीं, पूरा पसीना चल रहा है। क्रियांश जग गया है, अब गर्मी लग रही है। लग रहा है कपड़ा स्टेज न चला जाए, जो सोच के हम लोग लिए है नहीं पहनाएंगे। इतना तगड़ा धूप है और सभी लोग सस्पेंशन में रहते हैं, बारिश हो रहा है, और ऐप में जो यही दिखा देता है कि
क्लाउडी है यहाँ का मौसम। तो हम लोग चल रहे हैं जी अभी होटल के तरफ और चेकआउट करना है। उससे पहले हम लोग जो इस पुल के पास रुक गए हैं कि यहाँ पर मछली देखना, यहाँ पर मछली है, ढेर सारी मछली है। एक बार जूम करके आपको दिखाते हैं, बड़ी बड़ी मछली है यहाँ पर। हाँ, तो नजदीक आ जाता है, कुछ खाने वाला रहता था वो देख सकते हैं, वहाँ पर हमें दिख रही है। पता नहीं आपको नजर आ रहा होगा कि नहीं कैमरा में, हमें तो नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए उनके पास गया है ब्रेड, ओ हो सारे उसकी तरफ उछल पड़े। गोलू इधर से फेंक फेंक के खिला रहा है, ये सारी मछली आ रही नजदीक लो ना किनारा में, एकदम झपट जा रहे हैं ब्रेड पे। सर अब कंफ्यूज हो गया कि कौन सा खाया जाए, इतना सारा फेंक दिया गया है। वहाँ पर ढेरों मछली है देख सकते हैं। ओ भाई साहब बड़ी बड़ी मछली है। हम लोग का जो होटल है जी ठीक इस लेक के पीछे है, वो देख सकते हैं वहाँ पर है। हमारी गाड़ी भी वहाँ पार्क में लगी हुई है, जूम करके दिखा देता हूँ मैं, वो देख सकते हैं हमारी एक्सयूवी जो है वहीं पर लगी हुई है। तो वहाँ चलते हैं।